हेलो दोस्तों, रोशन टेक टिप्स में आपका स्वागत है। आज जो बात करेंगे वीडियो के अंदर, सीपी प्लस का डीवीआर है, उस डीवीआर के अंदर टाइम डेट नॉट सेव हो रहा है। इसमें टाइम डेट जो है वो सेव नहीं हो पा रहा है। और इसके अंदर आपको मैं सेल जो सिमोस बैटरी आती है इसकी, वो इंक्लूड करके दिखाऊंगा कैसे करते हैं। तो दोस्तों बने रहिए इस वीडियो के अंदर, स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ आपको बताऊंगा कि कैसे आप घर बैठे या ऑफिस के अंदर आप कैसे सिमोस बैटरी सीपी प्लस डीवीआर के अंदर लगा सकते हैं। और बहुत ही अच्छे तरीके से मैं बताऊंगा, जो कि आप देख सकते हैं, ये हमारे पास इस डीवीआर का मॉडल है CP/UVR/041E1/CS। तो अपन सबसे पहले इसमें देखेंगे स्क्रू कहाँ कहाँ लगे हुए हैं, ठीक है। तो दोस्तों इसके अंदर स्क्रू होते हैं, एक यहाँ होता है एक यहाँ होता है, ठीक है। इसमें पहले से ही स्क्रू नहीं है, हो सकता है जिसके पास लगा था उसने स्क्रू खोल दिया हो। यहाँ दो स्क्रू लग रहे हैं, ठीक है। ये तीसरा स्क्रू ग्राउंड का है, ठीक है। ये जो स्क्रू दिख रहे हैं आपको, ये मदरबोर्ड के पीसीबी के हैं, ठीक है। तो अपने को दो स्क्रू खोलने हैं, ओनली दो स्क्रू ही खोलने हैं। एज इट इज ये दोनों स्क्रू खोल लेने हैं ऐसे ही ऐसे। दोस्तों क्या होगा, इसकी जो बैक साइड है इस तरफ से ये खुलेगा। ये देखो, थोड़ा सा प्रेस कीजिए और ये बैक साइड खुल जाएगा। ये इसका ढक्कन होता है, ठीक है। तो आप देख सकते हो ये इसका हार्ड ड्राइव है, ये सीमोस बैटरी का कनेक्टर है, जहाँ सीमोस बैटरी अपन लगा सकते हैं इसके अंदर, ठीक है। छोटी वाले सीमोस बैटरी लगती है 3.7 वोल्टेज की, ठीक है। और ये सीमोस बैटरी अपने पास, ये सीमोस बैटरी लाई हुई है, ठीक है, लिथियम वाली है। और अब अपन क्या करेंगे, इसको निकालेंगे। और ये मैं निकाल दिया है, लिथियम वाली बैटरी है, ये डाउन हो चुकी है, ठीक है। ये अपनी बैटरी है, न्यू बैटरी है। तो इसको एज इट इज, इसका जो जो इसका माइनस वाला सिरा है वो नीचे रहेगा और प्लस वाला सिरा है वो ऊपर रहेगा। तो अपन एज इट इज इसकी तरह से एज इट इज ऐसे लगा देंगे, ठीक है। तो अपनी ये सीमोस बैटरी लग चुकी है। इस तरीके से आप सीमोस बैटरी लगा सकते हैं, ठीक है। उसका ढक्कन लगा दो वापस वैसे की वैसे, आगे की तरफ प्रेस करके ढक्कन लगेगा इसका। तो इस तरीके से अपन सीपी प्लस के डीवीआर के अंदर सीमोस बैटरी चेंज कर सकते हैं और इसका टाइम डेट जो सेव नहीं हो रहा है उसको सही कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको समझ में आई होगी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।